आज हम जो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते हैं उसके मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। अक्सर जो है लैंग्वेज स्टडी में एक एग्जांपल पूछी जाती है जिसमें वर्ब का जो जेरंड फॉर्म है इन्फिनेटिव और नॉन फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये जेरंड फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म और नॉन फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहली चीज याद रखिए कि जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब वो वर्ब होता है जो आईएनजी के साथ इस्तेमाल होता है, जिसमें आईएनजी लगा होता है। उसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस से दिया हुआ है, द फाइटिंग वेंट ऑन। द फाइटिंग वेंट ऑन, ये जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ब आया है फाइटिंग और वो अंडरलाइन है, द फाइटिंग इज अंडरलाइन। अब ये जो अंडरलाइन जिसको हमने हाईलाइट किया है द फाइटिंग, ये जो वर्ब है ये वर्ब कहलाएगा जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि जो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। एक्चुअली जेरंड फॉर्म वर्ब वो वर्ब होता है जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है द फाइटिंग वेंट ऑन का मतलब होता है लड़ाई जारी रही। तो इस सेंटेंस में द फाइटिंग एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि क्या जारी रही, फाइटिंग जारी रही। तो द फाइटिंग यहां पर जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। अब इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। वो कैसे, अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रीडिंग न्यूज पेपर इज अ गुड हैबिट, ये एक सेंटेंस है, रीडिंग न्यूज पेपर इज अ गुड हैबिट। अब इसमें रीडिंग ये जो वर्ब आया है इसे हम कहेंगे जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वाई, जैसे पहले इससे आपको बताया गया है कि जो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब हम सेंटेंस से कहते हैं रीडिंग न्यूज पेपर इज अ गुड हैबिट, तो इसमें अगर सवाल पूछे जाए कि वट इज गुड हैबिट, द आंसर विल बी रीडिंग। तो रीडिंग न्यूज पेपर, तो यहां पर रीडिंग जो है ये जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो एक नाउन का रोल भी प्ले करता है ना। तो रीड जो है वो क्या है, वर्ब है, लेकिन यहां पर रीडिंग ये जो वर्ब हमने यूज किया है जेरंड फॉर्म, ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स इट इज द नेम ऑफ एक्शन, ये एक एक्शन का नाम जाहिर कर रहा है। वो एक्शन क्या है, पढ़ना। तो इसे कहेंगे जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग एक आर्ट है। नाउ हियर सिंगिंग इज जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। सिंगिंग इज एन आर्ट मीन्स गाना एक आर्ट है, एक हुनर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सिंगिंग वर्ड जो है वो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो दो तीन चीजें आप याद रखिए कि जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है और जुमले के शुरू में होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज के जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वो एज अ नाउन भी होता है क्योंकि वो किसी एक्शन का नाम होता है, इसीलिए उसे हम कह सकते हैं कि वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट ऑफ वर्ब। अब इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट ऑफ वर्ब क्या होता है, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। आई लाइक टू ड्रिंक टी, ये एक सेंटेंस है। नाउ हियर टू ड्रिंक इज इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि जब सेंटेंस हम यहां देख रहे हैं आई लाइक टू ड्रिंक टी, सेंटेंस का मतलब होता है मुझे चाय पीना पसंद है। तो इन दिस सेंटेंस लाइक इज मेन वर्ब एंड दूसरा जो यहां पर इस्तेमाल हुआ टू ड्रिंक, तो टू ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब जैसे हमने देखा है जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आईएनजी के साथ इस्तेमाल होता है, ज्यादातर इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो इस्तेमाल होता है टू के साथ, समटाइम बिगर टू के भी होता है लेकिन मोस्टली जो है टू के साथ इस्तेमाल होता है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है आई लाइक टू ड्रिंक टी, मुझे चाय पीना पसंद है, इस सेंटेंस में टू ड्रिंक जो है
वो कहलाएगा इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो हम देखेंगे। इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली चीज कि जनरली इट इज यूज्ड विद टू, टू के साथ इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज के ये किसी भी टेंस में अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, चाहे दिया हुआ सेंटेंस है किसी भी टेंस का हो, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पता है कि टू के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर हम जैसे सेंटेंस देख रहे हैं कि आई लाइक टू ड्रिंक टी, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से कहें कि शी लाइक्ड टू ड्रिंक टी, उसे चाय पीना पसंद था। अब लाइक फर्स्ट फॉर्म है, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस है, लेकिन दोनों ही सेंटेंस में टू ड्रिंक का इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज यहां पर हमको हमको समझना है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है या इन्फिनेटिव वर्ब होता है, वो चाहे किसी भी टाइप का टेंस हो, उसमें एक ही फॉर्म में इस्तेमाल होता है, उसकी शक्ल नहीं बदलती है। अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पुअर्स, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पुअर्स, वो हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार होता है। अब यहां पर भी ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें जो टू हेल्प ये जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, ये टू हेल्प जो इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां पर आप एक बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें कि जो नॉन फाइनेट वर्ब होता है वो टू के साथ इस्तेमाल होता है, नॉन फाइनेट या इन्फिनेटिव दोनों से एक ही को कहते हैं, और या फिर दूसरी चीज के वो अपनी शक्ल किसी भी टेंस में नहीं बदलता है। नाउ नेक्स्ट फाइनाइट वर्ब, अब हम अगली टाइप देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो देखिए मैं दो सेंटेंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं उसे। आई नो द आंसर एक सेंटेंस है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस ही नोज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस शी न्यू द आंसर। अब देखिए यहां पर तीन अलग अलग सेंटेंस है। आई नो द आंसर, इसमें वर्ब क्या है, नो है। सेकंड वर्ब ही, सेकंड सेंटेंस ही नोज द आंसर, व्हाट इज द वर्ब, नोज। देन शी न्यू द आंसर, अब इसमें वर्ब क्या है, न्यू है। अब आप देखेंगे कि तीनों सेंटेंस में वर्ब अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। पहले सेंटेंस में नो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, दूसरे में नोज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, और तीसरे में न्यू वर्ब का सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। थर्ड फॉर्म नोन है ना, उस पर भी हम एक पास्ट टेंस का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस या प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हैं। आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी ये जो वर्ब है अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अब देखिए नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव वर्ब में हमने देखा कि चाहे टेंस कोई भी हो, वर्ब एक ही फॉर्म में इस्तेमाल होता है टू के साथ। अब फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस की मुनासबत से अपनी शक्ल बदलता है, सब्जेक्ट और टेंस की मुनासबत से उसका इस्तेमाल होता है। जैसे पहले सेंटेंस में आई नो द आंसर, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो उसके साथ हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस ही नोज द आंसर, अब यहां पर टेंस एक ही है, वो है प्रेजेंट टेंस, लेकिन क्या बदल रहा है, सब्जेक्ट बदल रहा है, तो ही के साथ नोज इस्तेमाल हो रहा है। ये हो जाएगा दोनों प्रेजेंट टेंस है लेकिन वर्ब की शक्ल जो है अलग अलग इस्तेमाल हो रही है, दोनों प्रेजेंट टेंस है। और जब उसी को हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, ही शी न्यू द आंसर, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस है। अब इसमें शी या अगर हम ही भी लें तो पास्ट टेंस में न्यू इस्तेमाल होगा, तो यहां पर टेंस के हिसाब से वर्ब जो है अपनी शक्ल बदल दे रहा है। तो देखिए ऐसा वर्ब जो अलग अलग टेंस में सब्जेक्ट की मुनासबत से अलग अलग शक्ल में इस्तेमाल होता है इन डिफरेंट फॉर्म, इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने वर्ब के तीन अलग अलग यूजेस देखे। पहला हमने देखा जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको आप अच्छे से समझिए। देन नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड थर्ड वन इज फाइनाइट वर्ब। तो आई होप कि आप इनके इनको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप इससे रिलेटेड आप डिफरेंट एग्जाम्पल से भी हल कीजिए,
और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेस्ट दिया जा रहा है इससे रिलेटेड वो भी आप कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में वी विल मीट विद अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।